यस, गुड मॉर्निंग क्लास 12 भी चिल्ड्रेन। अब रे ऑप्टिक्स में ही हम लोगों को प्रिज्म के बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखने हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि विजुअल एंगल क्या होता है। विजुअल एंगल इसको अल्फा और बीटा सिंबल से लिखते हैं। जैसे सपोज़ कर लीजिए कि ये मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दी है, ये मैंने आई लेंस बनाया है, आई लेंस ये आई की मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, और ये ए बी कोई ऑब्जेक्ट है, ए बी कोई ऑब्जेक्ट है, और इसकी जो इमेज बन रही है वो सपोज कर लीजिए कि ए डैश बी डैश है। ऑब्जेक्ट आई लेंस पे जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं विजुअल एंगल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अल्फा सिंबल से लिखते हैं। और इमेज हमारी आईज पे जो एंगल बनाता है उसको विजुअल एंगल ऑफ एन इमेज बोला जाता है, बीटा से लिखते हैं। ये इमेज है, ए डैश बी डैश इमेज है, और ए बी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमारी आईज पे जो एंगल बनाएगा उसको बोलेंगे विजुअल एंगल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अल्फा, और इमेज हमारी आईज पे जो एंगल बनाता है उसको विजुअल एंगल ऑफ एन इमेज, बीटा सिंबल से लिखते हैं। तो इसी से हम लोग इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? द एंगल फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, फिगर में ए बी है, एंड इमेज फिगर में ए डैश बी डैश दिखा रखा है, एट अवर आई इज कॉल्ड विजुअल एंगल अल्फा एंड बीटा। ऑब्जेक्ट छोटा दिखेगा बड़ा दिखेगा वो विजुअल एंगल पे ही डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। द साइज ऑफ एन इमेज, याद रखिएगा कि इमेज का जो साइज़ है, द साइज ऑफ एन इमेज डिपेंड्स अपॉन विजुअल एंगल बीटा। अब चिल्ड्रन जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर को हम लोग कैपिटल एम सिंबल से लिखते हैं। कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो, जब मैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वर्ड यूज़ करता हूँ तो इसमें ह्यूमन आई भी आ जाती है, टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप है, ये सभी जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। और इस फॉर्मूले से मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन करते हैं, एम इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, या एक और फॉर्मूला होता है एमओ इंटू एमई। बीटा क्या है ऊपर हम देख चुके हैं, विजुअल एंगल ऑफ एन इमेज, और अल्फा क्या है, विजुअल एंगल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसको रेशियो के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, कैसे? द रेशियो ऑफ विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय एन इमेज टू द विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एट आवर आई। ऑब्जेक्ट के विजुअल एंगल को अल्फा लिख दिया, एट आवर आई इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दैट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इसमें जो एमओ है, एमओ
बीटा और अल्फा तो आप जानते हैं, एमओ जो है वो लीनियर मैग्नीफिकेशन है ऑब्जेक्टिव लेंस की, लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा, लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। और एम ई जो है वो है लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस, लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस। अब सबसे पहले हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, फर्स्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसमें हम लोग दो लेंसेस का यूज़ करते हैं और लेंसेस में रिफ्रैक्शन होता है, इसलिए इसको रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी बोल देते हैं, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। टेलीस्कोप से हम लोग क्या करते हैं, हेवनली बॉडीज़ को मैग्नीफाइड फॉर्म में देखने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। यानी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या हो गया, ये एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू, विच इज़ यूज टू, used to see the magnified image, magnified image, magnified image of distant object, distant object or heavenly bodies, or heavenly bodies। ठीक है, तो इसमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से हम लोग किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइड फॉर्म में देखने के लिए इसका यूज़ करते हैं, मैग्नीफाइड फॉर्म में। अब इसका डायग्राम देखेंगे, इसका इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम, इमेज फॉर्मेशन रोक दिया।